नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर मेरे इस YouTube चैनल पर फर्स्ट बार कोई वीडियो देखो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल डी ब्लॉगर को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुँच जाए। दोस्तों मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आउटडोर में, तो आपको अजीब गरीब नॉइस आ सकती है यार, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना क्योंकि मैं आउटडोर में फुल्ली आउटडोर में वीडियो शूट कर रहा हूँ। कि मैं आपको अभी बता दूँ कि मैं कहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, फुल आउटडोर है और सनसेट भी होने वाला है। मैं यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ, पीछे मेरे नींबू का पेड़ है, आप हर एक वीडियो में देखते हो। तो ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के अपने एक और नए वीडियो को। दोस्तों जी हाँ, आपने वीडियो की टाइटल और थंबनेल देखा होगा तो उसमें आपने पढ़ लिया होगा। और वीडियो पर देखने से पहले आज के इस वीडियो में हम कंपेरिजन करेंगे दो कार की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, जो एक तरफ तो है होंडे और दूसरी तरफ है महिंद्रा। होंडे क्रेटा, होंडे क्रेटा की अगर हम बात करते हैं सेफ्टी रेटिंग की, तो उसकी सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार है NCAP के अनुसार। NCAP एक संस्था है जो कि कार्स की सेफ्टी रेटिंग की चेक करके उनको मार्केट में अप्लाई करने का मौका देती है कि अब आप आपकी कार को मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। NCAP कोई इतनी बड़ा नहीं कि NCAP के अनुसार अगर आपकी कार की सेफ्टी रेटिंग 0 भी आ जाए ना, तो भी आप आपकी कार को, एक ब्रांड अपनी कार को मार्केट में बेच सकता है। तो NCAP के अनुसार होंडे क्रेटा की बात करें, एक VIP लॉन्चिंग कार हुई थी उस टाइम पर, अभी भी है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। और दूसरी तरफ बात करते हैं महिंद्रा XUV 700, जिसने ऑटोमोबाइल में तबाही मचा दी थी कोरोना के बाद में, तो उसकी सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो वो भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ बिल्ड की गई है महिंद्रा के द्वारा। तो ये तो हो गई दोनों कारों की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसिडेंट कैसे हुआ। महिंद्रा XUV 700 चल रहा था आगे स्लो स्पीड में और क्रेटा वाले ने क्या किया, पीछे से आया, क्योंकि पीछे से टक्कर मार दिया। तो आप वीडियो पे, ये डिस्प्ले पे फोटो चल रहा है, उसको देखिए कि महिंद्रा का तो XUV 700 का जो पीछे का प्लास्टिक का हिस्सा है उसके आगे महिंद्रा का जो आगे का जो बोनट सबसे मजबूत आता है, फ्रंट जो सबसे मजबूत आता है ना हर एक कार का, वो पिचक गया हाई स्पीड के कारण। और महिंद्रा की जो XUV 700 थी उसके खरोचों के अलावा कुछ नहीं हुआ। आप देखे होंगे वीडियोज में, मैंने फोटोज भी लगा रखी है आगे पीछे, मैंने आपको फोटो बता दी। तो ये एक शर्मनाक बात है होंडा के लिए कि यार महिंद्रा वालों का तो प्लास्टिक और आपका लोया फिर तो बराबर हो गया भैया, कि उनके प्लास्टिक कुछ हुआ नहीं और आपके देखो लो ये क्या हो गया। देखो दोस्तों, मेरी महिंद्रा वालों से कोई रिश्तेदारी नहीं है और क्रेटा होंडे वालों से भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हकीकत है जो आपके सामने है, और ये वीडियो तो काफ़ी वायरल हुआ था ये न्यूज़, तो कि होंडे की जो आपने देखोगे तो जो बोनट है वो बिल्कुल तैसे पिचक ही गया, और जो XUV 700 है उससे कुछ नहीं होगा, ये चीज़ आपने देखी होगी और ये काफ़ी वायरल भी हुई थी न्यूज़। और होंडे वालों ने काफ़ी एक्शंस लिए थे फिर बाद में अपनी जो डीलरशिप है कि आप कि बिल्ड और बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया था ऐसे इंसिडेंट जब हुए थे। दोस्तों मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी कार परचेस करो तो सेफ्टी रेटिंग और बिल्ड क्वालिटी के बारे में काफ़ी ध्यान रखें। कई कार आप कोई भी कंपनी का परचेस करें, क्योंकि मैं किसी की तरफ से स्पॉन्सर नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि आप महिंद्रा ही परचेस करो। अब ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया कि महिंद्रा प्लास्टिक इतना मजबूत होता है कि आप इसको पहाड़ से कुदा दो तो भी कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जो कहता है वो आपके साथ शेयर की है मैंने। तो आपके हिसाब से मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी समझदार हो, लेकिन दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग में कहीं ना कहीं मायने रखती है हमारी, अगर हम कोई कार परचेस कर रहे। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसे किसी इंसिडेंट का फोटो वीडियो कुछ भी है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी भी है और मेरी ईमेल भी है, आप मेरे साथ कैसे भी शेयर कर सकते हो और मेरे साथ साझा कर सकते हो, वीडियो मैं बना दूंगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको और किस प्रकार की न्यूज़ चाहिए आप वो भी चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों मिलता हूँ कल रात को 8 बजे मैं आपको एक और नए ताज़ा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन यार दोस्तों वीडियो को आप देखते हो ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हो और ना मेरे इस चैनल को डी ब्लॉगर को सब्सक्राइब करते हो यार, तो सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाने वाला। जो सामने जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है SUV ऐसे कुछ स्पेलिंग है, उसमें प्रेस कर दे रेड कलर का, वो ग्रे कलर का हो जाएगा ना, तो मान लो कि सब्सक्राइब हो गया। फिर घंटी का आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो ताकि मैं रात को 8 बजे कोई वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।